Hello student and welcome to Expert Guidance Academy English classes. Today we will discuss about adjective. What is adjective? Adjective is a word which qualify noun or pronoun. Adjective एक ऐसा word होता है जो किसी noun या pronoun को qualify करता है या उनके गुणों को बताता है. देखिए adjective क्या होता है. Adjective. An adjective is a word used to qualify noun or pronoun. Adjective एक ऐसा word होता है जिसे हम लोग किसी noun या pronoun को qualify करने के लिए use करते हैं. ठीक, यहाँ definition भी लिखा हुआ है. Adjective क्या होता है. Adjective एक ऐसा word होता है जो किसी noun या pronoun के गुणों की विशेषता को बतलाता है. ठीक है, या फिर noun या pronoun के गुणों की व्याख्या करता है, वो हमारा adjective कहलाता है. देखिए जैसे example में दिया है, she is a beautiful woman. वह एक सुंदर औरत है. ठीक, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में वुमेन, वुमेन हमारा क्या है, वुमेन हमारे यहाँ पे नाउन है. ठीक, तो इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वो औरत कैसी है. ठीक है, उसके गुणों की व्याख्या की जा रही है यहाँ पे. तो औरत कैसी है, ब्यूटीफुल है. ठीक, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव इस सेंटेंस में. सी इज अ ब्यूटीफुल वुमन. ठीक, यहाँ पे किसी औरत के गुणों की व्याख्या की जा रही है. ठीक है, और औरत क्या है यहाँ पे, जो वुमन है वो नाउन है ना. तो इसलिए कहा जाता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को. यहाँ पे वुमन को क्या किया जा रहा है, इसके गुणों को बताया जा रहा है. वो औरत कैसी है, ब्यूटीफुल है. ठीक, दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही हैज़ अ बिग हाउस. उसके पास एक बिग हाउस है. हाउस यहाँ पे क्या है हमारा, हाउस यहाँ पे हमारा नाउन है. ठीक, अब यहाँ पे नाउन के बारे में बताया जा रहा है, मीन्स हाउस के बारे में बताया जा रहा है कि हाउस कैसा है. ठीक है, तो कैसा है हाउस, बिग है. तो बिग हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. ही इज ब्रेव. वो क्या है, वो बहादुर है. यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, ही यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है. और ही यहाँ पे क्या है हमारा, ही हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है. ठीक है, ही किसी पर्सन के लिए यूज किया गया है और इसकी इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, बहुत ही ब्रेव है. ही इज ब्रेव, वो ब्रेव है यानी बहादुर है. ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इट इज अ गुड पेन. यह एक अच्छा पेन है. यहाँ पे पेन क्या है हमारा, यहाँ पे पेन हमारा नाउन है. इसके बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कि यह एक अच्छा पेन है. ठीक है, इसकी विशेषता की जा रही है कि इट इज अ गुड पेन. तो गुड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. ठीक, देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. पहला हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. देखिए ये नीचे के जो एडजेक्टिव हैं, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पसेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, इस इन सारे एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने प्रोनाउन के टाइम में भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर हम लोग रिमाइंड कर लेंगे. देखिए नेक्स्ट है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. ठीक है, ये 10 टाइप्स के हमारे एडजेक्टिव हैं, इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. देखिए पहला हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसा कि नाम से ही शो होता है कि एक ऐसा एडजेक्टिव होगा. सो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स, किसी पर्सन या वस्तु के क्वालिटी को जो शो करता है, जो दर्शाता है, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है. देखिए जैसे ये सारे वर्ड हैं, गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, स्वीट, थिन, फैट, ये सारे वर्ड क्या हैं, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो किसी पर्सन के या किसी वस्तु के क्वालिटी को शो करते हैं. ठीक है, उनके क्वालिटी को दर्शाते हैं. ठीक, तो इन सारे वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए यूज करते हैं. देखिए जैसे एग्जांपल है, रमन इज अ टॉल मैन. रमन क्या है, एक लंबा आदमी है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये रमन के गुणों को बता रहा है. ठीक है, रमन कैसा आदमी है,
लंबा है, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव जो किसी भी पर्सन या थिंग्स के गुणों को बताते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक। राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है, ठीक है। पे गुड क्या है? यहाँ पे गुड जो है वो राम के क्वालिटी को बता रहा है, ठीक, कि राम जो है अच्छा लड़का है, ठीक। राम का एक अच्छे गुणों का लड़का है। और एग्जांपल ले लीजिए, द पेन इज ब्लू। पेन कैसा है? ब्लू है, ठीक है। पेन की विशेषता ये है कि पेन जो है वो ब्लू है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता कैसी लड़की है? एक सुंदर लड़की है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल क्या है? फुल जो है वो यहाँ पे सीता के गुणों को बताता है, ठीक है, कि सीता कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल लड़की है। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और किस टाइप का एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्यों? क्योंकि वह सीता के क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। इन सारे सेंटेंसेस में टॉल, गुड, ब्लू और ब्यूटीफुल, ये सारे वर्ड क्या कर रहे हैं? ये सारे वर्ड किसी पर्सन के या किसी थिंग्स के क्वालिटी को शो कर रहे हैं। तो ये हमारे कैसे एडजेक्टिव जाएंगे? ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए नाम से पता चलता है क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? मात्रा, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव जो शो करता है हाउ मच ऑफ थिंग इज मीन्ट, कोई भी वस्तु कितना है, ठीक है। देखिए जैसे कुछ वर्ड्स हैं, सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, एनी, अ लॉट ऑफ, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड हम लोग किसी वस्तु के जो है क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया है, ही हैज़ मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक। जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था वो बताता था कि कोई भी पर्सन या थिंग्स कैसा है, ठीक है। और ये जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये बताता है कोई पर्सन कितने हैं या फिर कोई थिंग्स जो है वो कितना है, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा है ही हैज़ मच मनी, उसके पास पैसा है। कितना पैसा है? मच यानी बहुत सारा पैसा है, ठीक। ही हैड सम राइस, उसके पास क्या है? थोड़ा सा ही चावल था। कितना चावल था? सम, ठीक। द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ड जो मच, सम और होल है ये हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शो करते हैं किसको? क्वांटिटी को, ठीक। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। जो हमारा क्वालिटी होता है वो क्या करता है? वो बताता है कोई भी चीज़ या फिर कोई भी पर्सन कैसा है, ठीक है, वो उसके गुणों को बताता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये किसी पर्सन किसी वस्तु के क्वांटिटी को बताता है कि कोई भी वस्तु है वो कितना है, ठीक। तो ये रहा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए थर्ड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? वो एडजेक्टिव जो शो करता है हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट, ठीक है। ये क्या करता है? ये पर्सन या थिंग्स के नंबर को बताता है कि कितने पर्सन हैं। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था वो थिंग्स के क्वांटिटी को बताता था यानी मात्रा को, और ये क्या है? ये नंबर को बताता है, ठीक है, कि कोई भी पर्सन या थिंग्स कितने हैं। देखिए जैसे फ्यू, मैनी, वन, टू, फोर, सेकेंड, सम, ऑल, नो, इनफ, ठीक। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हमारा देयर आर 40 स्टूडेंट इन दिस क्लास, ठीक। यहाँ इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग स्टूडेंटों की संख्या को पूछ रहे हैं, ठीक है, नंबर को पूछ रहे हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट इन दिस क्लास? तो 40 क्या है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंटों की क्या कर रहा है? संख्या को बता रहा है, ठीक है, नंबर को बता रहा है कि कितने स्टूडेंट इस क्लास में हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, द टू सिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर लंदन, ठीक है। दो बहनें जो हैं लंदन को चली गई हैं। तो कितनी बहनें? टू,
तो टू क्या कर रहा है, नंबर को बता रहा है, ठीक है, कितनी बहनें हैं, दो बहनें हैं, ठीक। तो बहनों के नंबर को टू बता रहा है कि दो बहनें हैं जो कि लंदन को चले गई हैं। तो टू हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ही वॉज द फर्स्ट मैन, वो पहला आदमी था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो ऑर्डर को शो कर रहा है, ठीक। ही वॉज द फर्स्ट मैन, वो पहला आदमी है, ठीक है। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दोनों में यूज किए जाते हैं, जो सम, ऑल एंड नो, इनफ है, ये ऐसे वर्ड है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज किए जाते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस दिया हो जिसमें इन सारे वर्ड का यूज़ दिया हो, सम का या फिर ऑल का या फिर नो, इनफ, कोई भी ये वाले वर्ड का यूज़ दिया हो, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देखिए, जैसे एग्जांपल है, लिखे हुए हैं, पहला है सी एट सम राइस, उसने कुछ चावल राइस खाया, ठीक। दूसरा देखिए, सी एट सम ऑरेंजेस, उसने कुछ संतरे खाए, ठीक है। तो आप लोग इसमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और कौन सा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात होगी तो उसके साथ जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसके साथ जो नाउन यूज़ किया जाएगा वह अनकाउंटेबल नाउन होगा। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात की जाएगी तो एडजेक्टिव के साथ जो नाउन होगा, जो नाउन यूज किया जाएगा, वो हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। और जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात की जाएगी तो उसके साथ का जो नाउन होगा वो कैसा होगा, वो काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन नहीं पता है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, सी एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाया, ठीक है। तो राइस हमारा क्या होता है, राइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इसको हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते, राइस का हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बस हम क्वांटिटी बता सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो सम होगा हमारा वो कैसा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। और दूसरे सेंटेंस में देखिए, सी एट सम ऑरेंजेस, उसने क्या खाया, कुछ संतरे खाए, ठीक है। तो ऑरेंज का क्या है हमारा, ये हमारा काउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, ऑरेंज का नंबरिंग कर सकते हैं, वन ऑरेंज, टू ऑरेंज, ठीक है। तो इसके साथ जो एडजेक्टिव यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एडजेक्टिव के साथ अगर काउंटेबल नाउन यूज होगा तो वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। और जब किसी एडजेक्टिव के साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे, मतलब जिसकी हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी क्वांटिटी बता सकते, तो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही लॉस ऑल हिज मनी, ठीक, उसने अपना सारा पैसा लॉस कर दिया, ठीक। यहाँ पे भी ऑल यूज हुआ है और यहाँ पे भी ऑल यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है मनी की बात की जा रही है, मनी हमारा क्या होता है, मनी हमारा अनकाउंटेबल होता है, ठीक। मनी को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डॉग्स की बात हो रही है। डॉग्स क्या होता है, काउंटेबल होता है, हम लोग डॉग्स को काउंट कर सकते हैं, उसके नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑल होगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऑल है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। आई हैव नो मिल्क, मेरे पास दूध नहीं है। आई हैव नो पेंस, ठीक है। यहाँ पे भी नो यूज किया गया है और यहाँ पे भी। डिफरेंस क्या है, इसके साथ आने वाला जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है और इसके साथ आने वाला जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग आगे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर को
नेक्स्ट टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला होता है हमारा डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा होता है इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आगे टू पार्ट से कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव. कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी निश्चित संख्या को बताते हैं. ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी संख्या को बताते हैं. जैसे जब हम लोग किसी चीज़ की नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे जितने भी काउंट नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं. और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जब हम किसी के निश्चित क्रम को बताते हैं. ठीक है, तो हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है. जैसे नेक्स्ट हुआ, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, तो ये क्या है, ये क्रम को बताता है. ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं और ये हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं. देखिए जैसे एग्जांपल में है, जैसे जब हम बोलते हैं ही हैज़ 4 पेन, ही हैज 4 पेन्स. ठीक है, उसके पास 4 पेन हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग पेन की संख्या को बता रहे हैं. ठीक है, नंबर को बता रहे हैं कि उसके पास कितने पेन हैं, 4 पेन हैं. और अगर हम बोले द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये चैप्टर के क्रम को बता रहा है. क्या है, सिंटैक्स है. इस बुक का फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, सिंटैक्स है. ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये चैप्टर के क्रम को बता रहा है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है हमारा, सिंटैक्स है. फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड चैप्टर होगा. तो जो हमारे क्रम को बताता है वो हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं. यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये हमारा क्या है, ये चैप्टर के ऑर्डर को बता रहा है, फर्स्ट चैप्टर. तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव. और यहाँ पे 4 हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्डिनल एडजेक्टिव नंबर. दूसरा हमारा इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये क्या होता है, जैसे सम, यहाँ पे कहा जा रहा है सम बुक्स आर ओल्ड, कुछ किताबें पुरानी हैं. अब कितनी किताबें पुरानी हैं ये निश्चित नहीं है. ठीक है, तो इनडिफिनिट होता भी है वही जो अनिश्चित होता है, इनडिफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित. तो वो सारे एडजेक्टिव जो हमारे अनिश्चितता को शो करते हैं. ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में लिखा है सम बुक्स आर ओल्ड, कुछ किताबें क्या हैं, पुरानी हैं. ठीक, सम लिखा हुआ है, सम यानी कुछ किताबें, कितनी किताबें ये निश्चित नहीं है. तो सम हमारा क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर. वैसे ही आई हैव फ्यू पेन्स, यहाँ पे भी कितने पेन हैं ये नहीं पता है. ठीक है, कुछ निश्चित नहीं है कितने पेन हैं, बट आई हैव फ्यू पेन, हमारे पास कुछ पेन है. मोस्ट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोस्ट वर्ड्स आर जेंटल. ठीक है, कुछ लड़के क्या होते हैं, अधिकतर, मोस्ट कुछ नहीं, मोस्ट यानी अधिकतर लड़के क्या होते हैं, जेंटल होते हैं. बट कितने होते हैं ये कुछ निश्चित नहीं है. तो मोस्ट क्या होता है हमारा, इनडिफिनिट एडजेक्टिव होता है. यहाँ पे फ्यू, यहाँ पे सम, यहाँ पे मोस्ट, ये हमारे कैसे एडजेक्टिव कहलाएंगे, इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये जो दिस दैट और दिस दोज होता है ये हमारा क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है. ठीक है, ये भी यूज किए जाते हैं पॉइंट आउट करने के लिए किसी पर्सन या थिंग्स को. जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे, दैट नोटबुक इज हर, यह नोटबुक किसका है, उसका है. ठीक है, तो कौन सी नोटबुक, दैट यानी वह नोटबुक, यह नोटबुक को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि वह उसकी नोटबुक है. ठीक, तो यह हमारा दैट क्या हो जाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. दूसरे एग्जांपल में देखिए, दीज पेन्स आर माइन, ये पेन किन, ये पेन किसकी है, माइन यानी मेरी है, ये सारी पेन जो है. तो दीज क्या कर रहा है, दीज
पेन को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो दिस हमारा यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस मैन विल गाइड यू, यह आदमी, कौन आदमी, यह, दिस मैन विल गाइड यू, तुम्हें गाइड करेगा, ठीक है। तो ये दैट, दिस, दिस और दोज, ये सारे हमारे क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। दिस दैट दिस दोज, इनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि दिस दैट दिस दोज क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक। लेकिन जब इस प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे नोटबुक, पेंस, मैं, ये क्या है हमारा, नाउन है। जब हम लोग इन सारे वर्ड के जस्ट बाद किसी नाउन का यूज करते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर दैट दिस और दिस जो है, अगर प्रोनाउन के रूप में होता, प्रोनाउन के फॉर्म में होता तो कैसे लिखा होता, तो ऐसे होता, दिस इज अ मैन, ठीक। दिस के जस्ट बाद कोई भी नाउन नहीं होता, ठीक है, वो डायरेक्ट किसी मैन को पॉइंट आउट करता कि यह एक आदमी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, सो पोसेशन और बिलोंगिंग, ठीक है। इस एडजेक्टिव से जो होता है, अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है, वो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक। जैसे कि हमने पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ा है, जैसे माई, योर, हीज, हर, ये सारे क्या होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। जब इस पोसेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन आ जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, तब वो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल में दिया है, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है, ठीक है। स्कूल किसका है, माई यानी मेरा है, मुझसे संबंध रखता है ये स्कूल, ठीक है। तो माई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा माई पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हिज पेन इज ऑन द टेबल, ठीक। उसका पेन कहाँ पे है, ऑन द टेबल पे है, किसका, हिज यानी उसका, ठीक है। तो पेन जो है किससे बिलोंग, किससे संबंध रखता है, हिज से। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। योर बाइक इज न्यू, तुम्हारी बाइक क्या है, न्यू है, ठीक। किसकी बाइक है, तुम्हारी। तो योर क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। हर हाउस इज नियर द पोस्ट ऑफिस, उसका घर कहाँ, किसके पास है, नियर द पोस्ट ऑफिस, किसका घर, हर, उसका घर, ठीक। तो यहाँ पे माई, हीज, योर, हर, हम लोग क्या देखते हैं कि जो माई, हीज, योर और हर है, दे आर यूज ऑलवेज बिफोर नाउन। ये सारे वर्ड क्या हो रहे हैं, हमेशा नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, है ना, और नाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। अगर यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन होता तो क्या होता, तो फिर यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं आता, ठीक है। इस पोसेसिव वर्ड के बाद कोई भी नाउन नहीं आता। चलिए एक एग्जांपल हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन का भी देख लेते हैं, इससे हम लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज हिज, या किताब उसका है, ठीक है। हिज यहाँ पे क्या हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं यूज किया गया है, ठीक है। अगर ये पोसेसिव एडजेक्टिव होता तो इसके जस्ट बाद नाउन आता, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है हिज पेन, देख लीजिए, हिज के जस्ट बाद नाउन आया है। योर बाइक, बाइक क्या है, नाउन है। हाउस क्या है, नाउन है, हर हाउस, ठीक है। दिस इज माई स्कूल, माई के बाद क्या है, स्कूल, स्कूल क्या है, नाउन है, ठीक। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब ईच, एवरी, आदर और नैदर के जस्ट बाद कोई नाउन आता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, ईच बॉय, ईच के जस्ट बाद नाउन आया है बॉय, ठीक है। तो ये हमारा ईच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हैड अ पेन, प्रत्येक लड़के के पास क्या है, पेन है, पेन था। दूसरा एग्जाम्पल है कि एवरी मैन हैज़ हिज ऑन ड्यूटी। एवरी मैन मतलब प्रत्येक आदमी के पास क्या होता है, अपना कर्तव्य होता है, ठीक। तो एवरी के बाद मैन, मैन क्या हमारा, नाउन,
एवरी के जस्ट बाद हमारा क्या है, नाउन आया है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, नाइदर वे वॉज सेफ, कोई भी रास्ता सेफ नहीं था, ठीक है। नाइदर जो होता है हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, तो यहाँ पे नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं, तो नाइदर वे मतलब दोनों रास्ते में से कोई भी सेफ नहीं था। नाइदर के जस्ट बाद वे हमारा नाउन आया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ईच एवरी आइदर और नाइदर के जस्ट बाद अगर हम लोग कोई नाउन यूज करते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव दैट आर यूज विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। वो एडजेक्टिव जो नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो नाउन के साथ आते हैं टू आस्क क्वेश्चन, क्या करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, वो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है, विच बॉक्स इज योर, कौन सी बॉक्स तुम्हारी है, विच हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ क्या आया है, बॉक्स, बॉक्स क्या है, नाउन है, ठीक है। जैसा कि यहाँ डिफिनेशन में दिया हुआ है, एडजेक्टिव दैट आर यूज विथ नाउन, ठीक है, जो नाउन के साथ आता है। जैसे यहाँ है विच बॉक्स इज योर्स, तो विच हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, इसके जस्ट बाद क्या आया है, नाउन आया है। यहाँ पे देखिए, हुज बुक इज दिस, या किताब किसकी है, ठीक, तो हुज हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आया है, नाउन आया है, और हम लोग हुज का यूज कर रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में देखिए, विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है, तो यहाँ पे भी क्या है, इस इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट बाद क्या आया है, नाउन आया है, ठीक है, तो विच हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब इस वर्ड के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। देखिए, जैसे अगर हम यहाँ से बुक हटा दें तो क्या हो जाएगा, हुज इज दिस, या किसका है, ठीक है, तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। लेकिन जिस सेंटेंस में हम लोग का इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ कोई नाउन आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे विच, हुज, विच, ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स की बात करता है, ठीक है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु की बात करता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन्स कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, ठीक है, वह एक इंडियन स्टूडेंट है, ठीक। तो ये किसी भी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है, ये कैसे स्टूडेंट, ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहा है जो कि क्या है, इंडियन है, ठीक है। इंडियन क्या हो जाएगा हमारा, इंडियन जो है हमारा वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। जो इंडियन फार्मर होते हैं वो क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर फार्मर की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर किसान की बात कर रहा है ना, वो किसी भी किसान की बात नहीं कर रहा है, किसी खास किसान की बात कर रहा है जो कि क्या है, इंडियन है। तो ये इंडियन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये फॉर्मर की विशेषता बतला रहा है ये वर्ड, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बने होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, वो एडजेक्टिव जो कि नाउन से पहले आता है और उस नाउन पर जोर डालता है, ठीक है, एम्फसाइज डालता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। देखिए, जैसे ये वर्ड है ऑन, वेरी सेम, ये सारे वर्ड हम लोग एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के में यूज करते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, आई सा देम विथ माई ओन आइज, मैंने
उनको अपने खुद की आंखों से देखा। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्या है, आइज, आइज नाउन से पहले आया हुआ है और इस आइज पे ही मतलब जोर देते हुए बोल रहा है, मैंने खुद की आंखों से उनको देखा, अपने खुद की आंखों से। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, दिस इज द वेरी, वेरी क्या है, वेरी यहाँ पे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है और ये जस्ट किसके पहले आया है, बुक, बुक क्या है हमारा नाउन। ठीक है, देखिए द वेरी जो है वो जस्ट नाउन के पहले आया है और ये क्या कर रहा है, दिस इज द वेरी बुक, या वही किताब है। ठीक है, यह बुक पे क्या कर रहा है, जोर देते हुए बोल रहा है कि यह वही किताब है आई वांटेड, जो मैं चाहता था। ठीक, तो यहाँ पे द वेरी क्या हो जाएगा हमारा, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, दिस इज द सेम बुक, यह बिल्कुल वही किताब है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये वर्ड जो है नाउन से पहले आया हुआ है और नाउन पे क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है, मतलब जोर देते हुए बोला जा रहा है कि दिस इज द सेम बुक, या बिल्कुल वही किताब है आई वांटेड, जो मैं चाहता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, वर्ड को हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं व्हेन इट इज़ यूज्ड एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब हम लोग किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ड का यूज़ एक एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। देखिए जैसे एग्जांपल में है व्हाट एन आइडिया, ठीक, दूसरा एग्जांपल है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। यहाँ पे व्हाट जो यूज किया गया है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज किया गया है, तो यहाँ पे व्हाट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। और इस एग्जांपल में भी देखिए व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यहाँ पे भी व्हाट हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव के टाइप्स को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। ठीक है।